हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। और ये सरकारिया कमीशन आया कब था? ये आया था जून 1983 में ये आया था। और इसका नाम सरकारिया कमीशन क्यों रखा गया? क्योंकि इसको हेड किया गया था जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया। जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया के द्वारा इसको हेड किया गया था और इन्हीं के नाम पे इसका कमीशन का नाम सरकारिया कमीशन पड़ गया। और अदर टू मेंबर्स थे डॉक्टर एस आर सेन और शिवरमन एंड एस आर सेन। ये अदर टू मेंबर थे इस कमीशन के। और इस कमीशन में बोला गया कि सेंटर और स्टेट में कोई भी जो लड़ाई वड़ाई होती है उसके लिए प्रोविजंस रखे गए कई सारे। हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस इन द एंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। तो पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस में कौन था एंटरिम गवर्नमेंट 1946 में? ये थे लियाकत अली खान। आंसर इज डी। द पोर्टफोलियो ऑफ द फाइनेंस वॉज हेल्ड बाय लियाकत अली खान इन द एंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के अंडर में कौन सा किसका इलेक्शन है जो नहीं आता है? तो ये इलेक्शन है पीएम का जो इनके अंडर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर द इलेक्शन जब रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है तो विनिंग पार्टी जो मेजॉरिटी में होती हैं लोकसभा में इनवाइट होती हैं कि वो अपने प्रेसिडेंट के सामने अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर दें। और विनिंग पार्टी क्या करता है? फॉरवर्ड करता है एक नाम कैंडिडेट का कि पीएम ये बनेंगे, मतलब कोई कैंडिडेट ये हैं जो हमारे पीएम बनेंगे। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट कर देता है सेलेक्टेड कैंडिडेट एज अ प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम? कौन सा पहला स्टेट था जिसने इस्टेब्लिश किया पंचायती राज सिस्टम? तो ये स्टेट था राजस्थान। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इस्टेब्लिश पंचायती राज। और स्कीम ये इनाग्रेट हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। और ये कहाँ पर हुआ था? नागौर में। नागौर ये है राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हुआ था ये पहली बार। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बने थे वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज बी। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। Who described India as a quasi-federal state? Quasi-federal state मतलब center और state दोनों ही exist करेंगे लेकिन center strong होगा। तो quasi-federal India को किसने describe किया? तो ये किया गया था Casey Ware के द्वारा। Answer is B. The federal system in the constitution was adopted due to the two main reason: the large size of the country and socio-culture diversity. Large size, कंट्री का लार्ज साइज एंड सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, इसीलिए हमारे यहाँ क्वाज़ाई फेडरल को चुना गया। टू हूम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यूनियन ऑफ इंडिया के जो हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। आंसर इज ए। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पार्लियामेंट को। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड?
कौन सा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसके अंतर्गत? तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फाइनेंस कमीशन। आंसर इज सी, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसके अंतर्गत। ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाई द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइंड कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। आंसर इज बी, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज देन फाइनली साइंड बाई द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24th of January 1950। और ये इफेक्ट में कब आया था? 26th of January 1950 इफेक्ट में आया था इस दिन और साइन हुआ था इस दिन। ए नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट इज प्रोक्लेम्ड अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल? नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 352। तीन इमरजेंसी होती हैं और नेशनल इमरजेंसी 352 में लगाई जाती है। और कितनी बार अभी तक लगाई गई है? अभी तक तीन बार लगाई गई है, 1962 में, 1971 में और 1975 में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक होता है जो आर्टिकल आता है 360 में, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। एक स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी, तीन इमरजेंसियां होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।